बेबी हमारी दिवाली पार्टी के लिए मोना एंड रॉबिन आल्सो कंफर्म्ड। वाओ, ट्राई दिस। मेरे पास शब्द नहीं है। Then you should say it is la jawab. La jawab नहीं, la kharab. What? क्या बात कर रही है यार? Yeah, कितना weird taste है इस कॉफी का। It's not coffee, it's coffee. La coffee. चाय और कॉफी का मिश्रण। चाय का पाउडर डालो कॉफी में, ऊपर से डालो दूध और गर्म पानी। Ew, sounds only so horrible. इस तरह के घटिया एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हो? रोहिणी माय लव, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन एंड अ क्रिएटिव जीनियस लाइक मी थ्राइव्स ऑन क्रिएटिंग द एक्स्ट्रा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। गंदा यार, रील में तो कितना अच्छा दिख रहा है। 3 दिन से रील ट्रेंड कर रही, पता नहीं। हर एक चीज जो रील्स पे देखते हो ना, उसे बिलीव मत किया करो। अच्छा सुनो, आज धनतेरस है, क्या खरीदना है? घर की लक्ष्मी तुम हो, तुम डिसाइड करो। मेरा तो मन था सेट लेने का। सेट इज अ गुड आइडिया। पुराने सेट की ना वैसे भी शाइन चली गई है, गेस्ट के सामने अच्छा नहीं लगता। रियली? हाँ, इसमें इतना सोचना क्या? अरे वाह, बड़ी जल्दी मान गए। धनतेरस साल में एक ही बार आता है बेबी, और दिवाली है, सब कुछ शाइनी शाइनी होना चाहिए, और हमारी भी इज्जत है सोसाइटी में। ओके ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, कुंदन को कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि अपनी एक्सक्लूसिव कलेक्शन रेडी रखेगा। कुंदन को क्यों, बंटी को कॉल करो ना। बंटी कौन है? कुंदन की दुकान में काम करता है। अरे कुंदन बंटी की दुकान में काम करता है, बंटी इज द मालिक। बंटी कौन? अपना बंटी, बंटी गृह वस्तु भंडार का मालिक, बंटी बजी घंटी। बंटी ने ज्वेलरी का काम भी शुरू कर दिया है। ज्वेलरी नहीं बाबा, कटलरी। कटलरी? अरे मैं गोल्ड सेट लेने की बात कर रही हूँ। गोल्ड सेट? गोल्ड सेट कहाँ से आया? आया नहीं, दुकान में जाके लाना पड़ेगा। नो 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 मोना, दिस ईयर नो सोना। व्हाई? जेब में पैसा नहीं होना, दैट्स व्हाई। दिस ईयर बाय स्टील कटलरी एंड अ भगोना। यार धनतेरस पे बर्तन कौन खरीदता है? 90% देश बर्तन खरीदता है मैडम, कड़ची कढ़ाई कुकर इंक्लूडिंग माय मॉम। मेरी मॉम तो ज्वेलरी खरीदती है। क्योंकि तुम्हारे पापा के पास है बेशुमार दौलत और मेरे पास है बेशुमार प्यार। अरे यार इतनी एक्साइटेड हो गई थी मैं कि गोल्ड का सेट लूंगी। यार धनतेरस है ना, धन मेरस थोड़ी है कि तुम एक्साइट हो गई मैं अपने लिए ले लूंगी। तुम मेरे लिए भी तो कुछ ले सकती हो। घर की लक्ष्मी कौन है? पॉइंट। तो एक काम करो ना, तुम सिल्वर का कुछ ले लो। हाँ मुझे सिल्वर बैंगल्स लेने थे। परफेक्ट। सी सिल्वर इज लाइक अस, स्टील से ऊपर गोल्ड से नीचे, सिल्वर लाइनिंग। ओके। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस ब्रो। यार ये ट्राई कर, शक्करपारे बड़े यम्मी है। अरे थैंक्स यार। वैसे दिवाली वाला माहौल लग नहीं रहा ना। क्यों यार, पूरी बिल्डिंग दुल्हन की तरह सजी हुई है, नीचे बच्चे पटाखे फोड़ रहे, घर में दिए जल रहे, फूलों की लड़ियां लगी है, और क्या चाहिए तुझे? अरे फूलों की लड़ी नहीं, मुझे तो नोटों की जड़ी लगानी थी यार। क्या पत्ते यार, दिवाली पे तो शगुन होता है। अरे लेकिन दिवाली तो परसों है ना। हाँ ब्रो, लेकिन आज से खेलेंगे तो 3 दिन होते हैं हमारे पास रिकवरी के लिए, जस्ट इन केस वी लूज। और अगर रोज जीते तो नोट ही नोट, दोनों हाथ नोटों में और सर चिल्लर में। चिल्लर छोटा ही सोचेगा, बड़ा सोच ब्रो, बड़ा। वैसे एक बड़ी पार्टी का इनवाइट तो आया है, धनुष का। धनुष वो जू वाला? अरे यार मैं गया हूँ 2-3 बार उसके घर, चलना चलते हैं, मजा आएगा यार। अरे यार सोना का मन नहीं है, मैंने पूछा था उसको, उसने साफ इनकार कर दिया। रुक मैं बात करता हूँ, आई नो हाउ टू हैंडल वुमेन। कुछ करते हैं। क्या करना है? अब कुछ नहीं। बोलना। बोलो समीर। हाँ बोलो बोलो। अच्छा मैं बोलता, समीर ने उस BKC वाले रेस्टोरेंट में फोन किया था जहाँ तुम लोग जाना चाहते थे। फुल्ली बुक्ड, एक टेबल नहीं। ओ ओ तो ठीक है, कहीं और चलते हैं। अरे आज तो कहीं भी टेबल मिलना मुश्किल है,
आधा मुंबई बाहर निकला हुआ है। हाँ हाँ बाहर, और आधी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही। तो एक काम करते हैं ना, घर पे खाना ऑर्डर कर लेते हैं। नॉट फेयर, नॉट फेयर, नॉट फेयर एट ऑल। नो, तुम लोग इतना तैयार हुए हो, इतनी सुंदर लग रही हो बेबी, तुम दिस कलर रियली सूट्स यू एंड यू टू। अब इतना तैयार होके तुम लोग घर बैठे रहोगे, इंस्टा का तो सोचो, वो कितना बुरा मान जाएगा बेचारा। नो फोटोज, नो रील्स, नो स्टोरीज, हाँ क्या करेंगे तुम्हारे फैंस, तुम्हारे फॉलोअर्स, दिवाली खाली खाली। नो नो, नॉट फेयर। तो फिर क्या करें? कोई तो पार्टी होगी, कोई तो पार्टी होगी कहीं पे। अरे हाँ, वो धनुष की पार्टी का इनवाइट आया मुझे, मैंने बताया था ना सोना, धनुष जू वाला। हाँ अरे यार, क्या कमाल की पार्टीज होती है, तुम्हें पता है वहाँ ड्रिंक्स से ज्यादा सेलिब्रिटीज का हैंगओवर होता है, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, और खाना तो पूछो मत, दो नहीं पांच पांच स्टार्टर्स होते हैं, पांच वेज, पांच नॉनवेज, सी फूड अलग, और खेलने के 12 से 15 टेबल लगे होते हैं। अरे केटरिंग भी तो संजीव कपूर ने किया हुआ है। संजीव कपूर का खाना वो भी फ्री। चलते हैं। अरे क्या चलते हैं, हम लोग तो इनवाइटेड ही नहीं है, इनवाइटेड तो समीर है, हम कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं, बट उसने मुझे बोला था कि यू कैन गेट योर फ्रेंड्स अलोंग इफ यू वांट। नहीं 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 नहीं, धनुष के यहाँ तीर भी होगा, आई मीन वीर भी होगा, और वो बहुत पकाता है, एंड हिज वाइफ शिखा। कौन, शो ऑफ शिखा? हाँ। ओ गॉड, वो तो चलता फिरता प्राइस टैग है बेबी, यही पूछ रही थी है। पता है ये कितने का है और वो कितने का है? अरे मुझे क्या पता बहन, तूने खरीदा है, तुझे पता होगा ना। Exactly. और आज तो धनतेरस भी है, जी भर के अपनी ज्वेलरी फ्लॉन्ट करेगा, यू नो दिस फ्रॉम एन एक्सक्लूसिव कलेक्शन, ब्ला ब्ला। ये 20 कारीगरों ने मिलकर 40 दिनों में बनाया था। ओ गॉड, तुम लोग तो वहाँ कार्ड्स खेलने बैठ जाओगे, हम लोग पकेंगे यार। नहीं नहीं, तुम लोग भी खेल लेना। ठीक है, हम भी खेलते हैं। That's the spirit. चलो चलो चलो। एक गेम है, confession. अरे confession, obsession, जो खेलना है खेल लेना, हम लोग तीन पत्ती खेलेंगे। अरे नहीं नहीं, पत्ते का गेम नहीं है ये, it's a game about relationships. अरे relationship, friendship, जो खेलना है खेलो, बस चलो traffic बढ़ जाएगा। अरे अरे, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये गेम हम घर पे भी खेल सकते हैं। अरे लेकिन हम चार खेलेंगे तो क्या मजा आएगा, पक जाएंगे, ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा ना। अरे नहीं नहीं, ये गेम सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खेला जाता है। Listen, I'm very intrigued. ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, आई थिंक यही खेलते हैं, अच्छा रहेगा, खाना बाहर से मंगा लेंगे। एंड लिसन, ऐसे धनुष के घर में उठा के चले जाएंगे, अच्छा थोड़ी लगता है यार, हम थोड़ी इनवाइटेड है, क्या इज्जत रहेगी। चलो लेट्स प्ले द गेम। डन, टेल मी हाउ टू प्ले इट। आजा भाई। सो गाइस, गेम बहुत सिंपल है। अरे सिंपल गेम ही खेलना था तो लूडो खेल लेते, टीम बैल वर्सेस टीम कपाड़िया। गेम सिंपल है लेकिन गेम प्ले ट्रिकी है, और इस गेम में कोई टीम वीम नहीं है, हम सबको साथ मिलकर खेलना है। ओके अच्छा, तो विनर कैसे डिसाइड करेंगे? इस गेम में एवरीबॉडी इज अ विनर। डोंट टेल मी सोना, तुम्हें अभी इस उम्र में घर घर खेलना है। अरे घर घर छोड़ो, बार बार चलते हैं। अरे यार एक सेकंड उसको बोलने तो दो। थैंक यू। सो ये सिर्फ एक गेम नहीं है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। इस गेम के जरिए हम अपने दिल पे रखा बोझ कम कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज है, कोई भी बात है जो कहनी है, देन दिस इज योर चांस, दिस इज योर टाइम टू कन्फेस, इसे सामने वाले पर ट्रस्ट बिल्ड। तो कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है? यस, लेकिन अगर सामने वाले को बुरा लग गया तो? हाँ। इस गेम का एक ही रूल है, कोई बुरा नहीं मानेगा। ओके, आई एम गोना स्टार्ट, आई एम गोना कन्फेस टू रोहित। ओके, कुनिका है ना, वो अपने बर्थडे पार्टी पे मुझे, शीतल को और जोया को लंच पे लेके गई थी। पर उसने तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया था। ऐसा उसने तुम्हें कहा था। क्यों? बिकॉज़ शी डजंट लाइक यू एंड शी डिडंट वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ हर सेलिब्रेशन। वाह, इवन आई डोंट लाइक हर यार, बट तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यार मुझे लगा तुम्हें बुरा लग जाएगा, नॉट बिकॉज़ शी डिडंट इनवाइट यू, बट बिकॉज़ मैं वहां गई थी। ठीक है, यू वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, इट्स ओके। गॉड, आई एम फीलिंग सो लाइट, आई कांट इवन टेल यू। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बता के जाऊंगी। ओके, नेक्स्ट टाइम तुम जाओगी ही नहीं, तुम नंबर डिलीट करो उसका। ओके, आई विल डू दैट। अच्छा नेक्स्ट कौन है? मैं सोना, आई वांट टू कन्फेस समथिंग टू यू, आई लव यू सो मच बेबी। ओ, ये कन्फेशन नहीं है, ये इम्प्रेशन है। तू आजकल अभी को बहुत मिल रहा है, ट्राइंग टू अर्न ब्राउनी पॉइंट्स ऐसी।
यार कुछ ढंग का कन्फेशन हो ना, हाँ। सामने वाले को बुरा तो लगे। ओके ओके हाँ सोना, जब भी मेरी मॉम तुम्हारी नुक्स निकालती है, तुम्हारी कमियां गिनाती है, इन शॉर्ट तुम्हारी बुराई करती है, मुझे उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, जस्ट टू स्टे इन अ गुड बुक्स। Hey, what happened? That's okay. वो तो मैं भी करती हूँ। क्या? इसका मतलब तुम्हारी मॉम भी मेरी कमियां निकालती है? नहीं, तुम्हारी मॉम, बिकॉज उनके बैड बुक्स में तुम्हारा भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ओके? क्या? आह, तो हेल। ओके ओके, नाउ इट्स माय टर्न। ओके। मुझे भी तुम सबसे कुछ कन्फेस करना है। सो जब भी मुझे कहीं नहीं जाना होता, कुछ अवॉइड करना होता है, या किसी पार्टी के लिए मना करना होता है, या मूवी नहीं जाना होता, यू नो लास्ट मिनट डिच मारना होता है, तो मैं जहान का बहाना बना देती हूँ। तुम मेरे भोले भाले मासूम से बच्चे को अपने षड्यंत्र में यूज करती हो? या एक मिनट, मतलब लास्ट वीक जब मैंने और सोना ने तुम्हें जवान देखने के लिए पूछा था, तब तुमने कहा था कि मुझे अपने जवान को देखना है, वो बीमार है। Yeah, that was an excuse. She meant अपने जहान को देखना है। What the hell, yeah? How is that even allowed? अरे तुम्हें क्या लगता है कि बच्चे सिर्फ बड़े होकर माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं? No, उनकी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तुम लोग नए पेरेंट्स हो, सीख जाओगे। We can use this up. We must. It's a great idea. Okay. हो गए आप सबके lame confessions. It's time to raise the bar and stakes of the game. It's time for some questionable, arguable, debatable, available, non-bailable confessions. रोहिणी, सोनाक्षी, मैं तुम दोनों से कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैंने और समीर ने तुम दोनों से झूठ बोला। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, झूठ तो तुम लोग बोलते रहते हो, क्लियरली बताओ ना क्या। यार तुम दोनों जो अपने फेवरेट बीकेसी वाले रेस्टोरेंट में जाना चाहते थे आज, हमने वहाँ फोन ही नहीं किया रिजर्वेशंस के लिए, क्योंकि हम धनुष की पार्टी में जाना चाहते हैं पत्ते खेलने। What? समीर, you are also part of this? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर था यार, ये पूरे प्लान का मास्टरमाइंड ये था, इसी ने कहा कि आई नो हाउ टू हैंडल वुमेन, ऐसा कुछ बोल रहा था।